जामा मस्जिद जयपुर के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने रमजान के दौरान रोजेदारों से कोरोना संक्रमण से बचाव के तमाम उपाय करने की अपील की है। उन्होंने सामूहिक नमाज अदा करने से बचने के साथ राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की भी अपील की है। क्योंकि रमजान मुबारक करीब है, इसलिए चंद गुजारिशात आपसे अर्ज करनी है। उसमें से पहली बात तो यह है कि जुमे के दिन 24 अप्रैल को 29 शाबानुल मुअज्जम है, चांद देखने का पूरा अहतमाम किया जाए और सेंट्रल हिलाल कमेटी से राब्ता किया जाए, फिर उसकी हिदायत के मुताबिक अमल किया जाए। जिस तरह हम पांच वक्त नमाज अपने घरों में अदा कर रहे हैं लॉकडाउन के जमाने में, इसी तरह हमें तरावी की नमाज भी अदा करनी है। अगर खुश नसीबी से कोई हाफिज साहब मैसर हो जाए तो उनसे पूरा कुरान घर ही के अंदर रहकर बगैर भीड़ जमा किए हुए कानून का पालन करते हुए हमें कुरान करीम को सुनने और सुनाने का एहतमाम किया जाए, ताकि कुरान करीम की सुन्नत भी अदा हो जाए। इमाम साहब बगैर माइक के अपने मस्जिद में दो चार आदमियों के साथ, जिसकी कानून इजाजत देता है, नमाज पढ़ें और तरावी की नमाज पढ़ाएं, और हम अपने घरों में अलग से जो है तरावी की जमात का एहतमाम करें।